आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो वीडियो का जो टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि 1 से 3 साल के बच्चों को प्ले मेथड में कैसे उनको पढ़ाया जाए, उनको कुछ नॉलेजेबल उनको सिखाया जाए, उससे पहले आप सोच रहे हैं कि मैं कौन होती हूँ आपको बताने के लिए, मैंने ऐसे कहाँ से सीखा है। तो मैं ये बता दूँ, मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग ली है जिसको कि NTT बोलते हैं, और साथ ही मैंने बहुत सारे स्कूल में काम भी किया है, और मैंने CTET जिसको कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो ये सब करने के बाद मैं इतना तो जान ही गई हूँ कि बच्चों को कैसे प्ले वे में मेथड में उनको कुछ नॉलेज उनको सिखाया जाए, जो कि आज के दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम थोड़ी लेट में भी सीखते थे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपको तो पता ही है कि आज के दुनिया में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो हमको भी उस चीज़ के लिए हमारे बच्चों को तैयार रखना ही चाहिए, है ना। मैंने जब NTT कोर्स किया था तो उसमें एक सब्जेक्ट था चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जब ये सब्जेक्ट मैंने पहली बार पढ़ा, और तब मैंने ये सोचा था कि मैं फ्यूचर में एक टीचर बन पाऊँ या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मैं एक अच्छी माँ तो बन ही सकती हूँ, क्योंकि ये इस पढ़ाई में है ही ऐसा। आई थिंक हर मदर को चाइल्ड साइकोलॉजी, मदर नहीं मदर फादर दोनों को ही चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी ही चाहिए। एक अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए हम लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं 1 से 3 साल के बच्चों को हमको नॉलेज, हम उनको प्ले वे मेथड में जस्ट कुछ प्रेशर नहीं बस खेलते खिलाते उनको कैसे सब कुछ सिखाया जाए। क्योंकि जब हम बच्चों को ऐसे ही मतलब कोई उनका जो टारगेट नहीं रहता है हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है, वैसे भी पेरेंट्स आजकल अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में बिजी भी रहते हैं, बच्चों से कोई बातचीत नहीं कुछ नहीं, तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज उनको कुछ भी गेन नहीं हो पाता, और सडनली उनको प्ले स्कूल में या स्कूल में डाल देते हैं तो उनको उतना कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत घर से ही सिखा के ज़रूर छोड़ना चाहिए, है ना। तो स्टार्टिंग वैसे 1 ईयर से नहीं 1 मंथ से ही करनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को रात में कोई ना कोई स्टोरी उनको पढ़ के सुनानी चाहिए। जानते हैं 1 मंथ के बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, बट स्टिल हमको वो करना चाहिए 1 मंथ से ही, और अप टू 5-6 ईयर्स जब तक वो खुद रीडिंग नहीं सीख पाते हमको रात में बुक रीड करना उनको एक हैबिट बनाना चाहिए, और उनकी हैबिट बनाने के लिए हमको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बुक रीडिंग से स्टार्ट करते करते जब वो 3 या 4 मंथ्स के हो जाते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा कलर देखने स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आपको तो पता ही है ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ या ऑनलाइन परचेस नहीं भी करना चाहते तो घर पे ही बहुत कुछ आप DIY करके बना सकते हैं, जैसे कि कलर कार्ड्स। आप कलर देके बच्चों को बहुत सारे कलर या कोई भी ज़्यादा जैसे कि बच्चों को जिससे जिस चीज़ से हर्ट ना हो उस टाइप की चीज़ें लाके उनको दे सकते हैं और वो कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। धीरे धीरे ही बताइए, क्योंकि मुझे भी लगता था कि नहीं इतने छोटे बच्चे कहाँ सीख पाएंगे, लेकिन मैंने ये चीज़ होते हुए देखा है। मेरा जो बेटा है वो अभी 3.5 साल का है और उसने 1 ईयर में आप बिलीव करेंगे कि नहीं, उसने 1 ईयर में पहला लेटर लिखा था ए, अल्फ़ाबेट उसने लिखा था। भले ही वो चौक ठीक से नहीं पकड़ सकता था लेकिन उसको पैटर्न पता था कि ऐसे लिखना है, और हमने कभी भी उसको फोर्स नहीं किया, और उसको अपने आप ही इंटरेस्ट था उस चीज़ में और उसने वो चीज़ किया। और ऐसे ही करते करते वो 1.5 ईयर्स तक अपने बॉडी पार्ट्स, कलर्स, एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, शेप्स,
और भी बहुत सारे नेम और वीक डेज नेम वो सब कुछ वो सीख गया। और मैंने मुझे इतना पता नहीं था कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड जो कि IBR उसमें भी मैं डाल सकती थी तो शायद उसको 1.5 इयर्स में ही उसको वो चीज़ मिल जाता। लेकिन मैं उसको जब मैंने फॉर्म फिलअप किया तब तक उसको 3 इयर्स हो चुका था और 3 इयर्स तक वो सोलर सिस्टम्स के नाम जो भी प्लैनेट्स थे हमारे नाम हैं वो सब भी सीख चुका था। और बहुत सारे राइम्स मोर देन 16 इंग्लिश राइम्स एंड हिंदी राइम्स 4 to 5 इस टाइप के उसने किया भी था। और मैं आपको उसका एक जो मेल आया था मैं आपको दूंगी, बट उसमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट रहता है उस सर्टिफिकेट, क्योंकि जब सारे प्रोसीजर में उनका जो कुछ कॉस्ट लगता है उसको पे करना होता है, तो हमने किसी रीज़न से हमने उसको पे नहीं किया था तो इसलिए हमको वो सर्टिफिकेट तो नहीं मिल पाया, बट वी हैव दैट मेल। बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो हमारे लिए, एक बड़ी अचीवमेंट है इतने छोटे बच्चे के लिए। और ये सब उसने प्ले वे मेथड से सीखा है। जैसे मैंने बोला कि कलर्स आप कैसे उनको सिखा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई फ्लावर, जैसे कोई रोज़, आपके घर में अगर रोज़ प्लांट है तो आप उस प्लांट को डायरेक्ट बच्चे को दिखाइए, ये व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ रोज़ फ्लावर। समझ आए ना आए बस आप बोलिए, डेली आप बोल के तो देखिए, फिर आप जब पूछेंगे ना बेटा रोज़ फ्लावर कहाँ है, तो वो ज़रूर वो ऐसे पॉइंट करेंगे कि वहाँ है मम्मा। और आप उसका कलर भी बताइए तो इससे उनको कलर भी पता चल जाता है। वैसे ही बाकी बहुत सारे चीज़ों के, जैसे ब्लू कलर, स्काई इज़ ब्लू बोलिए तो स्काई कहाँ है वो भी पता चलेगा और कलर भी पता चलेगा। और येल्लो, सन इज़ येल्लो तो उनको पता चलेगा, अच्छा तो सन वहाँ पे है। 6 to 7 मंथ में उतना बच्चे जान ही जाते हैं, आजकल के बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, तो आप ये करके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्राउड फील होगा कि आपका बच्चा सब कुछ उसको आता है। उसी तरह से जब आप वेजिटेबल्स कुछ भी घर में आती है जो आप कट करते हैं उन्हीं को ही दिखाइए, बेटा ये क्या है, पोटैटो है, टमाटो है, उसी से ही वो लोग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कोई अलग से बैठ के पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसी से ही पता चलता है। वैसे ही बॉडी पार्ट्स आप अगर बोलेंगे तो बॉडी पार्ट्स भी, आईज, नोज, ईयर्स, आप कभी भी उनके साथ, आप सोचेंगे हम बच्चे के साथ क्या बात करें, क्या खेलें, तो खेल खेल में ही आप जब अगर ये सब बातें बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप जान जाएंगे। हाँ, ईयर्स है, भले ही वो नहीं बोल पाए लेकिन वो पॉइंट आउट कर देंगे कि हाँ ये आइस है, ये ईयर्स है ना, तो वो ये सब अपने आप, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे ही एनिमल्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि घर के आसपास डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं तो आप बोल सकते हैं ये डॉग है, ये काउ है ना। तो और एनिमल्स की तो बहुत सारी बुक्स भी आती है, या तो फिर छोटे छोटे जो टॉयज़ भी आते हैं जैसे टाइगर, लायन, तो आप ये सब भी टॉयज़ लाके घर पे रखेंगे और उनको बताएंगे ये लायन है, लायन कैसे साउंड करता है, आप साउंड भी सिखा सकते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है और उनके साथ खेल खेल में ही वो कब सीख लेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और ये सब जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, आप एक बार करके तो देखिए। तो मैंने भी अपने बेटे के साथ ये करते किया है और उसने बहुत अच्छा सब कुछ किया है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे ही ऐसे ही स्मार्ट बने। तो आप भी अपने बच्चों को प्ले वे मेथड में, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी बच्चों को प्ले स्कूल ट्यूशन्स लगवाने की, और आराम से वो बच्चे घर पर ही सीख लेंगे। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जैसे कि हाँ बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, तो घर पे इसलिए हम एक्टिविटीज़ मंगाते हैं, तो एक्टिविटीज़ भी ऐसे ही टॉयज़ नहीं, उनके लिए एजुकेशनल टॉयज़, जैसे कि वो जो कार लाइट जलता है वो सब नहीं, वो सब मतलब उनको, बच्चों को उनमें इंटरेस्ट भी नहीं होता। आप देखेंगे आप इतने सारे टॉयज़ लाते हैं बच्चे लेकिन उस पर कभी नहीं खेलेंगे, वो आपके बर्तन कटोरी यही सब ही लेके खेलेंगे। तो वैसे ही आप लेकिन उनके लिए एजुकेशनल टॉयज़ लाइए, जैसे कि कलर्स के जो रिंग होते हैं, जो स्टैक होते हैं और उसको एक के ऊपर एक जो लगाना होता है, उस टाइप के रिंग्स लाइए, या फिर
इस टाइप का, जब बच्चा जब 1.5 इयर्स का होता है इस टाइप के जो सेट्स होते हैं, तो इस टाइप के सेट्स उनको इंट्रोड्यूस कराइए, जिसमें कि व्हीकल्स, टाइप ऑफ व्हीकल्स, 1 to 10 नंबर्स, ठीक है, ये देखो 1, 2, 3। अब इसमें देखिए बहुत सारे कलर्स भी हैं, जैसे कि 1 रेड कलर का है, 2 ब्लू, तो इससे बच्चे कलर भी सीख सकते हैं। और ये है फ्रूट्स, ये है अल्फाबेट्स, ये है शेप्स, देखिए शेप्स भी कितना प्यारा है सब कुछ, और अलग अलग कलर के भी हैं, तो आराम से बच्चे इससे कलर्स भी सीख सकते हैं। तो इस टाइप के आप जो शेप्स हैं, मतलब इस टाइप के जो सेट्स हैं, अगर आप वन टाइम इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आपको आराम से बच्चे खेलेंगे, 2 to 3 ईयर्स तक आराम से बच्चे खेलते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है और वो बहुत ज़्यादा इसमें एंगेज भी रहते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त वो इस चीज़ में एंगेज रहे। आजकल के टाइम में जब वो बाहर उतना नहीं जा पा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, रिलेटिव्स के वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम तो सब बच्चों को मिल ही जाता है, चाहे वो फ़ोन चाहे टीवी। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप फ़ोन से ज़्यादा अगर आपके घर में स्मार्ट टेलीविज़न है, तो उसमें आप उनको जो भी उनके राइम्स है, राइम्स भी कैसे, ऐसे राइम्स नहीं, जो एजुकेशनल राइम्स, जिसमें कि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स 1, 2 इस टाइप के जो सिखा रहे हैं, तो आप उस टाइप के उनको सिखाइए, उस टाइप के उनको टीवी में लगा दीजिए और देखिएगा आप उनको अपने आप ही उसी चीज़ में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। और मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी भी, जो मेरा बेटा है, मैंने उसको कभी भी हाथ पकड़ के कभी अल्फ़ाबेट नहीं सिखाया। वो उसने टीवी में देखा कि ऐसे पैटर्न है और वो अपने आप ही, मैं बस चौक लेके आई थी, वो चौक था घर पे और उसने ऐसे वॉल में लिखना, वो डोर पे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आप वैसे ही टीवी में, और मान लीजिए आप फ़ोन भी दे रहे हैं, तो फ़ोन में भी ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल एप्लीकेशन आते हैं, जिसमें कि पैटर्न्स आप फिंगर से ही, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप के वीडियोस भी होते हैं, और एप्लीकेशन गेम्स, तो ये इस टाइप के गेम्स भी होते हैं, जैसे कि काउंट करना है, 1, 2, 3 काउंट कर दिया और तो 3 है। हाँ, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है, उसमें क्लैप बजते हैं, क्रैकर्स होते हैं, तो बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। तो अगर भी आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो उनको ऐसा दीजिए कि जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, मीन्स उनका टाइम जो है वो ऐसे ही स्पेयर ना हो रहा हो और उनका टाइम यूज़ में आए, कुछ उनको उससे सीखे हो, है ना। तो इसी तरह से, तो प्ले वे मेथड में आराम से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, कलर्स, एनिमल्स, शेप्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ नेम, बहुत कुछ। और ये बहुत ही फन होता है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबके साथ मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखने का मन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।